को इंसानों से जोड़ा जाए, और जो हालात बिगड़ रहे हैं मुल्क में, इन हालात को अगर आज हमने ना संभाला तो आगे मुल्क खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए कि यहाँ मुख्तलिफ मजाहिब के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग रहते हैं, उन सब का अपनी अपनी भावनाएँ होती हैं, और हर एक की अपनी भावना को दूसरे को एहतराम करना चाहिए। और जो सबकी जोड़ की चीज़ है वो इंसानियत है, मानवता है। इस मानवता के नाम पर हम सबको जोड़ना चाहते हैं, एक दूसरे की हमदर्दी करना चाहते हैं, और ये पूरे मुल्क में हमारे काम हो रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 20 सूबों में और 130 शहरों में, डिस्ट्रिक्स में, ये हमारे इस तरह के मुख्तलिफ प्रोग्राम हो रहे हैं, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप है, मेडिकल कैंप है, हॉस्पिटल विजिट है, स्टेशनों पर फ्रूट वगैरह की तकसीम है, या पानी की सबीलें हैं, या इसके अलावा तालीम की लाइन पर काम करते हैं, जेलों में काम करते हैं, इन स्कूलों में ज़रूरियात हैं, हम उन ज़रूरियात को पूरा करते हैं। तो ये एक मिशन है हमारा, जिसका मकसद ये है कि यहाँ के सारे लोग एक दूसरे को समझें, जो गलत फहमियाँ हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो, और लोगों के अंदर मोहब्बतें पैदा हों। जीने का मज़ा इसी में है। अगर एक दूसरे का खौफ दिल में बैठा रहेगा तो हकीकत ये कि जीने का कोई मज़ा नहीं। आदमी घर में सो रहा है और डर रहा है, ये इंसानी ज़िंदगी नहीं, ये जानवर हो तो जानवर इस तरह ज़िंदगी जिए। हमें इस वक्त ये भेदभाव का जो ये एक जहर फैलाया जा रहा है, हमें इसको ख़त्म करना है, और इसके लिए हम ये देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हर आदमी इंसान जो है उसके अंदर इंसानियत है, मानवता है, मोहब्बत है, उसको पसंद करता है। वो चंद लोग हैं जो गलत फहमियाँ फैलाते हैं, गलत बातें फैलाते हैं। इस तरह के प्रोग्रामों का बड़ा फ़ायदा ये है कि हम एक दूसरे को देखते हैं, उनसे करीब होते हैं, और ये गलत फहमियाँ उससे दूर होती है। ये हमारा असल मकसद है इस प्रोग्राम का भी, और पूरे मुल्क में हर सूबे में जो हमारे प्रोग्राम और शहरों में डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं, उसका यही हमारा असल मकसद है कि हम एक मिलजुल कर रहे हैं। मुल्क के लोग जब एक होंगे और मुल्क के लिए मेहनत करेंगे, ताकतें एक होंगी, तो मुल्क, जैसे हमारे भी डॉक्टर साहब ने कहा, सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन उसके लिए अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो हमारी ताकतें बिखर कर रह जाएंगी। हमें एक होकर काम करना पड़ेगा। तो ये मुल्क पहले भी, ये जो इसकी संस्कृति है मोहब्बत की और अखलाक की, उस संस्कृति से ये पूरी दुनिया में इसका नाम रहा है। आज ज़रूरत इस बात की है कि दोबारा हम कोशिश करें, अखलाक की सतह पर, मॉरल की सतह पर भी दुनिया में इसका नाम होगा, और ये सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा और सारी दुनिया में इसका मैसेज जाएगा। लेकिन पहले हमें अंदर अपने आप को संभालना पड़ेगा, अंदर की दूरियों को ख़त्म करना पड़ेगा, मोहब्बतें पैदा करनी पड़ेंगी, फिर हमें खुद भी ज़िंदगी का मज़ा आएगा और ये मुल्क भी आगे बढ़ेगा।